नमस्कार दोस्तों, आज अपने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए रीजनिंग का अध्याय शुरू करेंगे। वैसे मेरा सब्जेक्ट जो है वो रीजनिंग है, मैं अच्छी तरह रीजनिंग ही पढ़ा पाता हूँ, जीके का तो पता नहीं है, लेकिन आज अपने रीजनिंग शुरू करेंगे। रीजनिंग में सबसे पहले जो मेरा अध्याय रहेगा वो रहेगा आकृतियों की गणना करना। आकृतियों की गणना करने में अपने को एक ट्राइंगल काउंट करना है। सबसे पहले काउंट करेंगे त्रिभुज को, त्रिभुज के बाद काउंट करेंगे स्क्वायर को, वर्ग को, और फिर काउंट करेंगे आयत या तो रेक्टेंगल को। इस हिसाब से सबसे पहले अपने, और ये सारा का सारा टॉपिक है वो विद ट्रिक ही रहेगा, क्योंकि मेरी 80% रीजनिंग है वो ट्रिक से है, और 20% रीजनिंग में आपको लॉजिक फाइंड करने पड़ेंगे। 20% रीजनिंग के अंदर आपको अपना माइंड यूज करना है, और बाकी 80% रीजनिंग में कहीं भी आपको कोई माइंड यूज नहीं करना। विदाउट माइंड यूज के, बिना किसी सहारे के, एक लॉजिक से अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज जो मैं अध्याय शुरू करने जा रहा हूं वो है आकृतियों की गणना करना। ये अध्याय राजस्थान पुलिस कांस्टेबल आरएएस फर्स्ट ग्रेड, एसएससी, जेल प्रेरी और सभी एग्जामों में ये अध्याय आता है। आरएस के अंदर और एसआई के अंदर स्पेशल एक दिया हुआ है आकृतियों से संबंधित समस्याएं व उनका निवारण। तो आज अपने जो अध्याय शुरू कर रहे हैं उस अध्याय का नाम है आकृतियों की गणना करना, हाउ वी कैन काउंट द फिगर्स। आकृतियों की गणना, आकृतियों की गणना में सबसे पहले बात करूंगा मैं त्रिभुज की। थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर जो अध्याय है ये बड़ा है, तो जितना हो सके उतने टाइम में आपको ट्रिकली काउंट करवाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज होता क्या है? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसके सभी कोणों का योग 180 डिग्री, उसे क्या कहेंगे? त्रिभुज या ट्राइंगल। ट्राइंगल को कैसे काउंट करेंगे? ट्राइंगल के अंदर 7-8 टाइप बनते हैं। सबसे पहले जो टाइप है उस टाइप के बारे में अपनी चर्चा करते हैं। प्रथम जो टाइप है वो ऐसा है, सपोज करो अगर एग्जाम में ऐसी शेप आ जाए, अगर एग्जाम में ऐसी शेप आ जाए तो अपने काउंट तो कर सकते हैं, काउंट करने में कोई मुश्किल नहीं, लेकिन टाइम चाहिए उसके लिए, टाइम चाहिए, काफी मिनट चाहिए। तो इसको काउंट करेंगे वो लॉजिक से काउंट करेंगे, और आसान वे से कैसे काउंट किया जाता है, सबसे कम समय में कैसे काउंट किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले टॉपिक है आकृतियों की गणना करना। आकृतियों की गणना करने में मैं आपको काउंट करना बताऊंगा ट्राइंगल, त्रिभुज को कैसे काउंट किया जाएगा, ठीक है। अगर इस टाइप के आपके पास एग्जाम में शेप आती है तो इस बड़े लेवल की शेप को कैसे काउंट करेंगे, 10 सेकंड का काम है, 10 सेकंड भी ज्यादा है, अगर आप चाहो तो इसे 5 सेकंड में भी काउंट कर सकते हो, लेकिन छोटे वे से बताऊंगा मैं आपको काउंट करना कैसे है। आपको इस टाइप की शेप को काउंट करने के लिए सबसे पहले, इस टाइप के त्रिभुज को काउंट करने के लिए आपके पास वर्टिकल बॉक्स की नंबरिंग होनी चाहिए। वर्टिकल बॉक्स क्या होता है? एक खड़ी शेप को कहते हैं वर्टिकल और पड़ी शेप को कहते हैं हॉरिजॉन्टल। तो आपके पास इस टाइप की शेप के अंदर वर्टिकल बॉक्स की नंबरिंग होनी चाहिए। कौन से बॉक्स की नंबरिंग? वर्टिकल बॉक्स की नंबरिंग। वर्टिकल बॉक्स की नंबरिंग की बात करें तो ये आपको जो खड़ी आकृति दिखाई दे रही है कितने नंबर है? एक नंबर। तो इसमें वर्टिकल बॉक्स एक है। सबसे पहले इस टाइप में क्या करेंगे? वर्टिकल बॉक्स की नंबरिंग करेंगे, और बाद में उस नंबरिंग को क्या करना है? प्लस करना है। वर्टिकल बॉक्स की नंबरिंग लगाना और उस नंबरिंग को बाद में क्या कर देना? प्लस कर देना। तो आपको यहां पर वर्टिकल बॉक्स दिखाई दे रहा है केवल एक, तो इसको किसी में प्लस कर नहीं सकता। तो दी गई आकृति में यहां पर इसमें कितने त्रिभुज हैं? केवल एक त्रिभुज है। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलता हूं, इससे थोड़ी सी शेप को बड़ा करते हैं, बड़ा लेवल यूज करते हैं। मैंने कहा दी गई आकृति में, सेकेंड शेप है इसकी बात कर रहा हूं, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इस टाइप की अगर कोई शेप आती है उसके अंदर आपको ट्राइंगल काउंट करना है तो कैसे काउंट करोगे? इस टाइप की शेप में ट्राइंगल काउंट करने के लिए
सबसे पहले अपने को वर्टिकल बॉक्स की नंबरिंग लगानी है। मेरा ये वर्टिकल बॉक्स नंबर कितना है? एक। ये वर्टिकल बॉक्स है वो कितने नंबर है? दो नंबर। मैंने वर्टिकल बॉक्स की नंबरिंग लगाई। अब नंबरिंग लगाने के बाद इनको क्या करना है? प्लस करना है, ऐड करना है। अब इसके अंदर, इस एक के अंदर ये दो ऐड करता हूं, एक और दो तीन। इस एक के अंदर मैंने दो ऐड किया, तीन आ गया। तो इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? तीन त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है? तीन त्रिभुज। आइए काउंट करते हैं तीन त्रिभुज कैसे है। पहले मैं इसकी बात करता हूं, तो इसके अंदर मुझे जो दिखाई दे रहा है केवल वही त्रिभुज है। इसके बाद इसकी बात करते हैं, इसमें कितने त्रिभुज है? तो इसके अंदर देखें तो एक नंबर ये, दो नंबर ये, कितने हो गए? दो। दो के बाद इस शेप की बात करूं, ये बड़ा, ये तीन। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तीन त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं? तीन त्रिभुज। अब इससे थोड़ा सा बड़ा लेवल यूज करते हैं, फिर इस शेप पे आएंगे अपने। इससे मैंने थोड़ा सा बड़ा लेवल यूज किया। अगर एग्जाम में इस टाइप की शेप आती है और आपसे पूछा जाए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो आपको कैसे काउंट करना है? आपको केवल वर्टिकल बॉक्स की नंबरिंग लगानी है। वर्टिकल बॉक्स की नंबरिंग लगाने के बाद उन सभी नंबरिंग को आपस में क्या करना है? प्लस करना है, ऐड करना है। वर्टिकल बॉक्स नंबर कितना है? एक नंबर। वर्टिकल बॉक्स खड़ी आकृति नंबर दो, खड़ी आकृति नंबर तीन। मैंने वर्टिकल बॉक्स की नंबरिंग लगाई, अब इन नंबरिंग को आपस में क्या करूंगा? प्लस करूंगा। एक को दो में प्लस किया, एक और दो तीन, तीन और तीन छह। तो इस आकृति में, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस शेप? कितने हैं? सिक्स। अब काउंट कैसे करेंगे? छह को देखो भाई, ये लॉजिक से काउंट किया, एक नंबर बॉक्स, दो नंबर बॉक्स, तीन नंबर बॉक्स, एक और दो तीन, तीन और तीन छह। इन छह को काउंट कर दिया और प्लस कर दिया सबको, ठीक है। अब सबसे पहले काउंट करते हैं त्रिभुज नंबर एक, त्रिभुज नंबर दो और ये त्रिभुज नंबर तीन। कितने हो गए? तीन। तीन के बाद इन दोनों को कंबाइंड करके काउंट किया, चार, और इनको काउंट किया, पांच, और एक ये बड़ी शेप कितने हो गए? छह। इस टाइप की छोटी शेप में अगर लॉजिक लग रहा है, यहां पर छह काउंट किए और छह ही अपना लॉजिक से प्लस करने पे आया, यहां पर तीन काउंट किए किए और तीन लॉजिक से भी अपना आ गया, यहां पर एक है। इसके बाद मैं बात करता हूं इसकी, तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इसके लिए आपको केवल नंबरिंग लगानी है और उस नंबरिंग को आपस में प्लस करना है। अगर इस टाइप की शेप एग्जाम के अंदर कोई आती है तो केवल और केवल आपको नंबरिंग लगानी है और उसी सभी नंबरिंग को आपस में प्लस कर देना। वर्टिकल बॉक्स की नंबरिंग और सब नंबरिंग को आपस में प्लस कर देना। वर्टिकल बॉक्स नंबर कितना? एक। बॉक्स नंबर दो, बॉक्स नंबर तीन, बॉक्स नंबर चार, बॉक्स नंबर पांच और बॉक्स नंबर छह। मैंने नंबरिंग लगा दी, अब इन सभी नंबरिंग को आपस में क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? प्लस करना है। प्लस करता हूं, एक और दो तीन, तीन और तीन छह, छह और चार दस, दस और पांच पंद्रह, पंद्रह और छह इक्कीस। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इक्कीस त्रिभुज हैं। अब इसमें काउंट नहीं करना पड़ा, मात्र पांच सेकंड का खेल है। सीधा आप एक और दो तीन, तीन और तीन छह, छह और चार दस, दस और पांच पंद्रह, पंद्रह और छह इक्कीस, ऐसे भी कर सकते हो। इसमें अपने को टाइम नहीं लगना चाहिए, जितना ज्यादा हो। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अपने को समय बचाना है, इसमें अपने को समय बचाना है। सब वर्टिकल बॉक्स की नंबरिंग लगाने के बाद उस नंबरिंग को आपस में क्या करिए? प्लस कर दीजिए। ये टाइप नंबर था एक। अब इसके बाद मैं टाइप नंबर दो की बात करता हूं, वो भी ट्राइंगल से संबंधित रहेगा, क्योंकि आज का जो अध्याय अपने ट्राइंगल से संबंधित करेंगे, उसके बाद स्क्वेयर से, उसके बाद रेक्टेंगल से करेंगे। तो सबसे पहले बात करता हूं, ये टाइप नंबर एक था, ये टाइप नंबर कौन सा था? एक। अब इसी में टाइप नंबर दो की बात करते हैं जी। अब इसी शेप को थोड़ा सा आगे लेके जाता हूं, अगर इसके अंदर इस टाइप की आकृति बनी हो तो कैसे काउंट करेंगे? इसमें पहले मैंने कितने काउंट किए थे? 21 काउंट किए थे। एक बेस होता है, आधार होता है। अब मैं जानना चाहता हूं इसके अंदर कितने आधार है, दी गई आकृति में कितने आधार है। तो दूसरे टाइप के लिए एक बार स्टॉप करते हैं।